कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य रखा है। इस समय लाइन लॉस 14.5% है, इसे घटाकर 13% तक लाना है। इसके लिए बिजली विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। पिछले दिनों कई छापेमारियों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लाइन लॉस घटाने के साथ जुर्माने के तौर पर विभाग से राजस्व भी मिल रहा है। हुड्डा सरकार के दौरान बिजली विभाग 3700 करोड़ के घाटे में था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संभालते ही 370 करोड़ मुनाफे में आ गया। बड़ी चोरियां करने वालों को पकड़ा, इससे लाइन लॉस कम हुआ। 37% से घटाकर लाइन लॉस 14.5% है, इसे दिसंबर के अंत तक घटाकर 13% तक लाया जाएगा। उसके लिए पिछले दिनों सैकड़ों टीमों ने छापेमारी की, हजारों की संख्या में मीटरों की जांच हुई, चोरियां पकड़ी गई और विभाग को 9 करोड़ का राजस्व भी मिला। कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला मंगलवार दोपहर को बरनाला रोड आवास पर जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। जो डिपार्टमेंट था इसको शुरू में है, जब हुड्डा साहब से टेक ओवर करा बीजेपी की सरकार बने तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था, और तब से उन्होंने फाउंडेशन इतनी मजबूत करी कि 3700 करोड़ का जो घाटा था उनके वक़्त ये आप ये समझे कि 370 करोड़ रुपया प्रॉफिट में आ गया था। लाइन लॉस 37 से घट के 17% पे आ गया था, 31% था, 31.4 था, उसके बाद 17 पे आ गया था, और अब ये पिछले 2 साल में अब ये 14.5% है, और परमात्मा ने चाहा तो ये साल ख़त्म होने तक मैं इसे 13% के लिए हुआ। इससे ये है कि जो बड़ी चोरी करते थे गांव में, जो बल्ब 2 बल्ब लगाते हैं वो तो करते होंगे चोरी, पर उनका बड़ा मैटर नहीं होता, वहाँ तो 1500-2000 का मामला होता है। बड़ी इंडस्ट्री जो है ना जी, बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं करती, क्योंकि उन्हें एक नाम होता है, गुडविल होती है, वो नहीं करते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपके गेस्ट हाउस, ढाबे हैं, उसके बाद ईंट वाले भट्टे हैं, फिर इसके बाद आपका आरोज है, या आइस फैक्ट्री, आइस कैंडी वाली है, उन फैक्ट्रियों में, या जो ये हाईवे पे ढाबे बने हुए पड़े हैं, ये इस तरीके की चोरी करते हैं, उन्हीं पे हमने रेड कराए। वो रेड करने से अभी जो 4th राउंड था हमारा, इसमें कोई 20,000 हमने चेक करे, 526 टीमें थी, और एक टीम में 7-8 आदमी थे, मतलब 4,000 आदमी सुबह 4 बजे उन जिस जगह जिस चीज़ की ड्यूटी थी रेस्ट हाउस में रात को कैंप करा था हमने। जैसे गुड़गांव करा तो वहाँ भिवानी और जींद की टीम भेज दी, अगर हमने फरीदाबाद करा तो सर से रिसार की टीम भेजी, ताकि उन्हें पता ही नहीं, कोई किसी को कांटेक्ट नहीं कर सके। और उससे हमने 6 किलोवाट चोरी पकड़ी, 9.5 करोड़ रुपया बरामद हुआ कैश, और उसके बाद आप ये समझो कि 3,000 के करीब लोगों का 2929 लोगों की चोरी पकड़ी। 15,000 पेंडिंग थे जो इस वक्त हम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि जून 2022 तक सारे कनेक्शन दे दिए जाएंगे। अभी फसल से जैसी, क्योंकि अब फसल कटी है तो हम लोगों को बीच में ट्रैक्टर ट्राली या जो ट्रक हैं, बड़े व्हीकल जो पोल लेके जाते हैं, ट्रांसफार्मर लेके जाते हैं, उन्हें लोग खेतों में अलाउ नहीं करते। फसल कट जाएगी तो उसके बाद हमारे मशीनें जाएंगी, और हम इसी मई जून में सब कनेक्शन जो पेंडिंग 15,000 है उन्हें पूरा कर देंगे। इसके बाद फिर जो नई एप्लीकेशन आएगी उन्हें हम लेंगे, और साथ ही साथ ही SDO और उन्हें कहेंगे 8 अप्रूव्ड मोटर्स हैं, उन्हें जाके हम उसे वेरीफाई करेंगे, लोगों के ट्यूबवेल लगते जाएंगे। हाँ, वो कर रहे हैं जी, हम जो इसमें ऑनलाइन भरेंगे उसमें 5-7 लोगों को देंगे, तो इसका एक बड़ा फ़ायदा होगा कि लोगों की एक आदत बन जाएगी टाइम से बिल पे करने का। तो जब 6 आदमियों का अवार्ड होगा तो हर आदमी देखेगा कि मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, तो वो अपने आप को लाइन में समझेगा कि मुझे इनाम मिलेगा। एक प्रोत्साहन राशि 2100 रुपया का अच्छा मैसेज आएगा। ये हम करते हैं कि उसके लिए जिस एरिया में देखें कि इस एरिया में लेवल ठीक है, वहाँ पानी के जैसे रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल निकाल के, पहले जमाल वाला माइनर निकला, एक आपका कोसाबा माइनर है वो निकाला गया, GSGC है वो पहले निकाली गई, तो ऐसे सरकार देख के किस एरिया में वो डिसाइड करते हैं। बाड़ा तो हो गया जी, वो तो ऑलरेडी हो गया जी, और जो सब वाला है वो भी अप्रूव्ड हो गया, उसके फाइनेंशियल भी हो गया, मेरे ख्याल में जल्दी टेंडर होकर आगे हो जाएगा। 2 और नए भेजे, एक सुल्तानपुरिया नानवाड़ा का इनका है, एक धनूर ओटू इनका है, वो दोनों पाइपलाइन में है, वो अभी बने हैं, बन के अभी भेजेंगे, उसमें एक अंडर प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा।